सिर्फ सांसें चलते रहने को ही जिंदगी नहीं कहते। आंखों में कुछ ख्वाब और दिल में उम्मीद होना जरूरी है। दोस्तों, हर किसी के जीवन में एक ऐसा वक्त जरूर आता है जब हमको डिसीजन लेना बहुत ही कठिन हो जाता है। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, वो पहचान नहीं पाते। मन में बहुत सारे विचार चलने लगते हैं और कौन सा विचार सही है और कौन सा विचार गलत है वो हम चुन नहीं पाते। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। दोस्तों, बात है 2020 के दिसंबर महीने की। मेरे मन में बहुत सी उथल पुथल मची हुई थी। तब मेरे मन में एक ऐसा विचार आया जिसने मुझे हिला कर रख दिया। मुझे ऐसा विचार आया कि मुझे अब नौकरी नहीं करनी चाहिए और अपना खुद का काम शुरू करना चाहिए। उस वक्त मैं ध्यान नहीं करता था और ना ही मैं आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहा था। लेकिन ऐसा विचार मेरे मन में क्यों आया वो तो मैं आज तक नहीं समझ पाया। दिल कह रहा था कि अपना खुद का काम शुरू करे और दिमाग कह रहा था कि नौकरी छोड़ के तू करेगा क्या, तेरे पास तो कोई सपोर्ट करने वाला भी नहीं है और तुझे कोई जानता भी नहीं है, फिर तू करेगा क्या। मन में ऐसी उथल पुथल मची हुई थी कि करे तो करे क्या। यही विचार मेरे मन में बार बार घूमता रहता था और उसी की वजह से मुझे रात को नींद भी नहीं आती थी। मैं रात को 3-4 बजे तक जागने लगा। मैं बहुत ही डिप्रेशन में आ गया था। लेकिन अचानक एक रात कुछ ऐसा हुआ कि मेरे मन के सारे विचार गायब हो गए। मैं खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि ये हो क्या रहा है। दरअसल हुआ ये कि जब मैं रात को बहुत ही ज़्यादा सोच रहा था तब मेरे दिमाग के ऊपर से कुछ गिर रहा था और वो केवल एक सेकंड के लिए ही गिरा। अचानक मेरे मन में उठ रहे सारे विचार बंद हो गए। मैं हैरान हो गया कि ये क्या हुआ मेरे साथ। मैंने सोचा कि सुबह मेरे घर वालों को ये बात बताऊंगा। लेकिन बताऊँ तो बताऊँ क्या कि मेरे दिमाग में कुछ गिरा, घर वाले भी मुझे पागल समझने लगेंगे। इसलिए मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। दूसरे दिन मैं नौकरी पे चला गया। लेकिन अब मेरे मन में यह विचार आने लगा कि कल रात को जो हुआ वो क्या था। फिर मैंने विचारों पे ध्यान देना ही बंद कर दिया और अपने काम पे लग गया। दिन को तो काम की वजह से ये बात मैं भूल गया था, लेकिन रात को तो मैं अकेला ही था और विचार तो विचार हैं, वो तो आएंगे ही। अगर मन में कोई भी प्रश्न उठ रहा हो और उसका जवाब जब तक हमें ना मिले हमें चैन नहीं आता। लेकिन इस प्रश्न का तो कोई उत्तर ही नहीं है, इसलिए मैं इस बात को एक संयोग समझकर भूल गया और मन को शांत करने के लिए मौसम को देखने लगा। उस समय दिसंबर महीना चल रहा था और ठंड का मौसम था। इसी बीच मुझे जो थोड़े से अनुभव हुए वो मैंने ब्रह्म मुहूर्त वाली वीडियो में बताए हैं। आप चाहे तो उस वीडियो को भी देख सकते हो। 3-4 दिन तो मैंने ऐसे ही किसी तरह से निकाल लिए। फिर अचानक एक रात मेरी दो आंखों के बीच में कुछ गिरा, जैसे पानी की बूंद गिरी हो। तालाब में पानी की बूंद या पत्थर गिरने पर जैसे तालाब में लहरें बनती है, वैसे ही मेरे दो आंखों के बीच में प्रकाश की लहरें बहने लगी। मैं तो फिर से घबरा गया, ये हो क्या रहा है मेरे साथ। मैं सब काम छोड़ के सो गया। दोस्तों, ऐसी बातें हम जीवन में कभी नहीं भूल सकते जो कल्पना से परे की हो। इस बार मैंने सचमुच ठान लिया था कि मेरे घर वालों को ये बात ज़रूर बताऊंगा। घर वालों को जो सोचना है वो सोचे। मैंने ये बात मेरे घर वालों को बताई, लेकिन मेरे घर वालों ने मुझे कोई जवाब ही नहीं दिया। हालांकि वो भी क्या जवाब दें, उनके लिए भी ये पहला अनुभव था। फिर मैंने सोचा कि इसका जवाब तो मुझे ही ढूंढना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या मालूम ये कोई शारीरिक तकलीफ हो या मानसिक तकलीफ, इसका जवाब तो मैं ढूंढ के ही रहूँगा। मैंने उस समय में बहुत सारी वीडियो देखे, बहुत सारी पोस्ट भी पढ़ी। मुझे उस वक्त थोड़ी सी जानकारी मिली कुंडलिनी के बारे में, आध्यात्मिकता के बारे में। लेकिन फिर भी मेरा जो प्रश्न था उसका जवाब मुझे नहीं मिला। बिना पूछे और बिना बताए मुझसे जो हो सका वो मैंने किया, इंटरनेट से जानकारियाँ प्राप्त की। लेकिन मेरे प्रश्न का जवाब मुझे नहीं मिलने के कारण मैंने अब ऐसे लोगों की खोज शुरू कर दी जिनसे मैं खुद मिल सकूं और मेरे प्रश्नों का जवाब मुझे मिले। तब मेरे सामने फेसबुक पर मेरे दोस्त की मम्मी है, उनके कुछ फ़ोटो सामने आए। वो एक सामाजिक कार्यकर्ता है और पूरे भारत में वो सामाजिक काम करती है। मुझे उनके कोई साधु के साथ फ़ोटो दिखे, दिखने में तो कोई साधु या गुरु जैसे ही लग रहे थे। मैं जानता नहीं था उनको। मैंने उन्हें कॉल किया और उनसे मिलने को कहा।
दूसरे दिन मैं उनसे मिलने के लिए गया तो पता चला कि वो साधु एक गुरु है जो जूनागढ़ में रहते हैं और वो एक महीने के अंदर उनके घर आने वाले हैं। मैंने तुरंत ही बोल दिया कि जब वो आए मुझे बोल देना, मैं मिलने के लिए आ जाऊँगा। उस वक्त मैं अपनी नौकरी के काम में व्यस्त होने लगा, इसलिए मैं सब कुछ भूल गया। लेकिन 15-16 दिन के बाद उनका कॉल आया कि वो गुरुजी 2 दिन के अंदर हमारे घर आने वाले हैं। मैं उनके घर गया और जाके देखा, गुरुजी तो एकदम अघोरी जैसे दिखते थे, चिल्लम पीते थे। मैंने उन्हें प्रणाम किया और अपना प्रश्न रखा। गुरुजी ने मुझे प्रश्न किया, तुम्हें कौन सा प्रकाश दिखाई देता है? मैंने कहा, सफ़ेद या लाल प्रकाश। रात को देर तक जागते हो क्या? मैंने कहा, हाँ गुरुजी। तो सबसे पहले तुम रात को जागना बंद कर दो, ये प्रकृति के खिलाफ है। ईश्वर ने सोने के लिए जागने के लिए सभी मानव को एक ही समय दिया है, और तुम ध्यान करते हो? मैंने कहा, नहीं गुरुजी। तो तुम सुबह जल्दी उठकर ध्यान करो, तुम्हारे कोई गुरु है? तभी मुझे याद आया कि मैंने तो दीक्षा ली हुई है, मेरे गुरुजी है और उन्होंने शक्तिपात भी किया था, लेकिन दीक्षा लिए हुए मुझे 10 साल हो गए हैं। मैंने गुरुजी से कहा, हाँ मेरे गुरु भी हैं। तब उन्होंने कहा, ठीक है, उनका स्मरण करो और ध्यान करो, सब ठीक हो जाएगा। उनकी प्रेरणा के अनुसार मैंने ध्यान करना शुरू कर दिया। गुरु को प्रार्थना करता था और ध्यान करने लगा। धीरे धीरे मेरे प्रश्नों का जवाब मुझे मिलने लगा। मैंने 2021 के जनवरी माह में नौकरी भी छोड़ दी। नौकरी छोड़ने के बाद मुझे दिक्कत भी आई, लेकिन ध्यान करने की वजह से मैं हर परिस्थिति में शांत रहने लगा। मैं नए काम भी ढूंढने लगा और मुझे नए काम भी जल्दी से मिलने लगे, क्योंकि मैं जिसका भी काम करता था वो काम में पूरे फोकस के साथ और ध्यानपूर्वक अच्छा काम करता था, इसीलिए मुझे ज़्यादा काम मिलने लगा। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। जीवन में कब किस मोड़ पे परिवर्तन आ जाए वो तो हमें मालूम नहीं, और सबके अनुभव भी अलग अलग होते हैं। दिव्य शक्तियाँ किस तरह से हमें संकेत देती है, कैसी तकलीफें देती है और कैसे उस तकलीफ का समाधान करती है, ये आपको मेरी कहानी से जानने को मिल सकता है। इसलिए मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि कभी जीवन में मुश्किली आए तो हार मत मानना। क्या पता ईश्वर हमारे जीवन को परिवर्तन लाने के लिए ये सब कर रहा हो। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि ध्यान करने से हमें बहुत फ़ायदे हो सकते हैं। ध्यान करने से हमारी कुंडलिनी जागृत हो या ना हो, हमें कुछ अलौकिक चमत्कार दिखे या ना दिखे, लेकिन ध्यान से 2 चीज़ें ज़रूर मिलेगी। एक, हम हर परिस्थिति में शांत रह पाएंगे, और दूसरा, हमारा फोकस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर करना। आपने दिल से मेरी कहानी सुनी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।